आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। कट्टरपंथी अलग अलग तरीकों से अत्याचार की तमाम सीमाएं पार कर रहे हैं। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और उनके घर मंदिर सब तोड़े जा रहे हैं। अब तो पासपोर्ट और वीजा होने के बावजूद हिंदुओं को भारत नहीं आने दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तब ये बोल रहे थे कि इंडियन है हिंदू है, इंडियन है हिंदू है, ये बोल के मुझे लिंचिंग कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार। कट्टरपंथी ताकतों के सामने यूनुस सरकार का सरेंडर। हिंदुओं को चुन चुन कर किया जा रहा है टारगेट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही। हिंदू आस्था को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। हिंदुओं को निशाना बनाए जाने का एक और सबूत इस वीडियो में देखा जा सकता है। कट्टरपंथी काली माता के एक मंदिर में दाखिल हुए और जमकर उपद्रव किया। हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए उपद्रवियों ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की, माता काली की मूर्ति भी तोड़ दी। उपद्रवियों ने मंदिर में मौजूद भक्तों पर भी हमला किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही। जगह जगह हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उपद्रवियों की इस भीड़ को देखिए, कैसे एक मंदिर पर हमला बोला और जमकर तोड़फोड़ की। नफरती कट्टरपंथी तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने पूरा मंदिर तहस नहस नहीं कर दिया। बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ हिंदुओं को किसी कीमत पर देखना नहीं चाहती। यही वजह है कि जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश में भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ किस तरह अत्याचार हो रहे हैं, उसका एक और सबूत पश्चिम बंगाल के सायन घोष हैं। सायन घोष 23 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका गए थे। 26 नवंबर को उन्हें वापस लौटना था। उसी दिन कट्टरपंथियों ने उन्हें घेर लिया और अपना नफरती एजेंडा फैलाने लगे। उपद्रवियों ने सायन घोष को घेर कर बेरहमी से पीटा। उपद्रवियों ने पत्थर और चाकू से सायन पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे सिर के पीछे पत्थर से मतलब फोड़ दिया मेरा सिर, और चाकू से मेरे यहाँ पे मतलब मेरे आँख पे अटैक किया था। मैं थोड़ा हट गया था और मेरे यहाँ से पूरा एकदम वो हो गया, कट हो गया पूरा, सिलाई हुआ। हाँ, यहाँ पे 2 टाके पड़े, यहाँ पे 4 टाके पड़े। कट्टरपंथी मारपीट करते रहे और भीड़ तमाशा देखती रही। उपद्रवियों को जैसे ही साइन के भारतीय और हिंदू होने का पता चला तो उनकी नफरत बाहर आ गई। बाकी लोग जो थे खड़े होकर वो बस देख ही रहे थे, कोई नहीं रोक रहा था। और वो जब मार रहे थे, मेरा जब लिंचिंग कर रहे थे, तब वो लोग बस मतलब ये बोल रहे थे कि इंडियन है हिंदू है, इंडियन है हिंदू है, ये बोल के मुझे लिंचिंग कर रहे थे। बांग्लादेश में नफरती एजेंडा इतना फैल चुका है कि हिंदुओं का वहां से निकलना भी मुश्किल किया जा रहा है। बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आ रहे इस्कॉन के 54 सदस्यों को बॉर्डर पर रोक दिया। ये लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने भारत जा रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने सरकारी परमिशन ना देने का हवाला देकर इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर भारत में गुस्सा है। देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं, साथ ही प्रार्थना भी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार मांग हो रही है, मगर यूनुस सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार की नाकामी और चुप्पी को लेकर ही देश भर में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी है वो इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए, और अगर वो नहीं बचा सकती हिंदुओं को तो हिंदू धर्म एक हिंदू राष्ट्र अलग से उसी बांग्लादेश में बनाए। मामला हिंदुओं की सुरक्षा के साथ साथ दो देशों के रिश्तों का भी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।